ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर झांसी से है, जहां झांसी में गत दिनों पत्रकारों के साथ हुई मारपीट, लूट और अपहरण के मामले में समाज में तहलका मचा दिया है। विधायक के गुर्गों की गिरफ्तारी को लेकर मांग तेज हो गई है। डीएमएसपी समेत डीआईजी रेंज झांसी से मुलाकात करने के बाद अधिकारियों को दो दिनों के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कही गई है। अगर दो दिनों के अंदर विधायक के गुर्गों की गिरफ्तारी नहीं होती तो पत्रकार एकजुट होकर झांसी के इलाइट चौराहे पर चक्का जाम करेंगे, जिसका जिम्मेदार झांसी प्रशासन होगा। पत्रकारों के नेतृत्व कर रहे रामनरेश यादव ने बताया कि दो दिन पहले गरौठा के तीन पत्रकारों को सूचना मिली कि डेरा बालू घाट पर लिप्टर मशीन से एक मजदूर नदी में डूब गया है। सूचना पर पत्रकार कवरेज करने के लिए मौके पर पहुंचे तो वहां मौजूद सत्ताधारी व्यक्तियों के गुर्गों ने पत्रकारों पर हमला बोल दिया और उनके साथ जमकर मारपीट की। उनकी गाड़ी में बैठाकर उन्हें अपहरण कर लिया और सोने की चेन, अंगूठी, रुपए लूट लिए। पत्रकारों ने चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने उनकी तहरीर पर बालू माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद सत्ता की हनक दिखाते हुए माननीय व उनके पुत्र पुलिस प्रशासन पर क्रॉस केस लिखने का दबाव बना रहे हैं, जिसके चलते गुरुवार की रात्रि विधायक के समर्थकों ने एरज थाने में धारा 144 लागू होने के बाद भी धरने पर बैठ गए हैं और आदर्श आचार संहिता को ठेंगा दिखा रहे हैं। हम सब ने अधिकारियों से मांग की है कि पत्रकारों के खिलाफ झूठा मुकदमा ना लिखा जाए, वहीं दो दिन के भीतर विधायक के गुर्गों की गिरफ्तारी हो। अगर दो दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो झांसी के इलाइट चौराहे पर बड़ा प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया जाएगा, इसका जिम्मेदार झांसी प्रशासन होगा। डर है आप लोग को? जी, हमको इस चीज का डर है कि हमारे साथी राजेंद्र मंदेला ने घटना तो पूरी आपको बता दी है, लेकिन विधायक जी द्वारा, विधायक के पुत्र द्वारा इतना हम लोगों के ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है कि हम लोग अपने संतुलन खो चुके हैं। आज इस समय हम लोग डीआईजी साहब के यहाँ आए थे, एसएसपी महोदय के यहाँ भी होके आए हैं, डीएम साहब के यहाँ भी होके आए हैं, तो हमारा ये कहना है कि माननीय जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि पत्रकारों के साथ कोई अभद्रता नहीं की जाएगी, उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी, इसके बावजूद यदि सत्ता पक्ष के और सिटिंग विधायक जो हमारे क्षेत्र के हैं, वही उनका प्रत्येक घाट, जो भी घाट हैं गरौठा तहसील में, जितने भी घाट हैं सभी में उनका परसेंटेज फिक्स है। और तो क्या विधायक जी की सह पे चल रहे घाट? विधायक जी की सह पे चल रहे, उसका सारा कारोबार राहुल राजपूत उनके पुत्र देखते हैं और उन्हीं की सह पे नरेंद्र राजपूत, मुकेश राजपूत, अजय शुक्ला और हेमंत शुक्ला ने हम लोगों पर हमला कराया है। जो 20-25 अज्ञात लोग आए हैं और हम लोगों की इतनी बुरी तरह से जम के मारा पीटा है, हम लोगों का संतुलन बिल्कुल संतुलन में नहीं है। हम लोग अब आप लोगों से यही निवेदन है, आप हमारे पत्रकार साथी हैं, कि इस बात को आप योगी आदित्यनाथ और माननीय मोदी जी तक पहुंचाई जाए। भैया क्या नाम है, किस समस्या को लेकर यहाँ आए हैं? मेरा नाम राजेंद्र बुंदेला जी, राष्ट्रीय सहारा पत्रकार गरौठा तहसील से हूँ। सर, दो दिन पहले हमको तेरा झार से सूचना मिली, ग्रामीणों ने फोन किया है कि तेरा घाट पर जो खनन हो रहा है उस लिफ्टर से एक लड़का गिर गया है। तो हम लोग, हम हमारे साथी कवरेज करने के लिए घाट पर पहुँचे। कवरेज करने के ही पहले घाट के दबंग लोगों ने, सत्ताधारी विधायक, दबंग विधायक के लाल राहुल राजपूत द्वारा हम लोगों के साथ बहुत बुरी तरह से वार किया गया है, हम लोगों को मारा है। करीब मारने वाले 15 से 20 लोग थे, हम मात्र 3 लोग थे। हम लोगों को मारा, हम लोगों की गाड़ी घोड़ा तोड़ दी। मारते मारते हम लोगों के अपने ही वाहन में तीनों लोगों को पटक डार के बोले कि चलो इन लोगों को बेतवा नदी के पुल से पटक दो, जिससे साले की मौत हो जाए। गली में ब्रेक कराने के कारण हम लोग अपनी जान बचा के भागने में सफल हुए। हम लोग चलती गाड़ी से कूदे हैं और जब हम लोगों ने सवेरे अपने पत्रकार साथियों को बताया तो उनकी हम लोगों ने FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज होने पर उनको मुकदमा लिखाया गया है। मुकदमा क्रॉस के संबंध में भी लोग हम लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कौन डरा रहा? राहुल राजपूत और जो दमन में लोग हैं घाट वाले। कल करीब 200 लोगों को राहुल राजपूत द्वारा मेरा थाने में बैठाया गया है। अनशन पर उन लोगों से कहा गया है कि हमारा भी मुकदमा लिखो। झूठा एक अहरवार के हाथ में हमारे, हमारे दोनों भाइयों के नाम दर्ज एप्लीकेशन दी गई है कि फर्जी मुकदमा लिखाया जाए। एप्लीकेशन में क्या है कि जिला पंचायत की जो शासन द्वारा रस्सियाँ बंद हो चुकी है, जिला पंचायत बैरियर हर जगह बंद हो चुके हैं, लेकिन फर्जी मुकदमा लिखाने में संबंध ने बाइट दी है कि हम जिला पंचायत पर फर्जी इसी संबंध में हम रसीद काट रहे थे और जो लोग आए हो हमको गाड़ी में डाल के ले जाते फर्जी तरीके से।
श्रीमान जी हमारा मोबाइल भी छुड़ा लिया हम लोगों का, हमारी चैन भी छुड़ा ली, अंगूठी छुड़ा ली, कुछ गाड़ी में हम लोगों के पैसे भी धले थे वे भी छुड़ा ली, और पूरी तरह से हम लोगों की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी है। बुरी बुरी लोगों से अफवाहें फैला रहे हैं कि अगर राजीनामा नहीं करोगे तो जान से मार देंगे, और धमकी दे रहे हैं और मुकदमा लिखवाने की कोशिश में लगे हैं, जिससे जी लोग डरा जाए और राजीनामा करने से। क्या क्या अपील करना चाहते हो आप? एक मिनट जी, इसी संबंध में हम आज झांसी अन्य DIG महोदय के यहाँ आए हैं, झांसी महोदय DM साहब के महोदय के आए हैं, और SSP महोदय के हमने अपनी प्रार्थना पत्र दिया है कि हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं जो लोग। श्रीमान जी से हमारा निवेदन है कि हम लोगों का कानूनी कार्रवाई का हम लोगों को क्या बोले मुलाकात हुई वो उस रात किस किन लोगों का पहचान पाया जिन्होंने आपके हमला किया? रात में चार नाम थे, उन लोगों को हम पहचानते थे, अजय शुक्ला और नरेंद्र राजपूत और हेमंत राजपूत और मुकेश राजपूत, इन लोगों को हम चार ही लोगों को पहचानते हैं, बाकी करीब 15 लोग अज्ञात थे, 20-25 लोग। आपका एक वीडियो बार उसमें बोले थे हम पेट्रोल लगा के आग लगा देंगे, क्यों? वो सामान कहा था कि जो लोग हम लोगों को ही मार के हमारी गाड़ी उठा के बीच रोड पर वहाँ पर हाईवे पर नगर पंचायत के पास खड़ी कर गए, और इन लोगों का एक ही मकसद था कि हमने मारा है, जो लोग हमारा क्या कर लेंगे। जो विधायक हैं वो तो आप योगी जी से क्या अपील करना चाहते हो? हमें माननीय योगी जी से अपील करना चाहते हैं कि एक तरफ योगी जी कहते हैं माननीय कि हम खनन पूरी तरह से बंद कर दें, लेकिन हम कैसे माने कि जब योगी जी के ही खुद सत्ताधारी विधायक खनन कर रहे हैं, अगर पत्रकारों को खनन सत्ताधारी विधायक खनन कर रहे हैं, और पत्रकारों को अगर विधायक के लड़कों द्वारा विधायक के कार्यकर्ताओं द्वारा मारा जाता है तो पत्रकार कहाँ जाए? पत्रकार तो एक न्याय का पत्रकार साथी, वो पत्रकारों तो क्या है, जहाँ भी खबर मिलती है वहाँ पर कवरेज करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर हम लोगों को जैसे ग्रामवासियों ने सूचना दी कि यहाँ पर लिफ्टर से एक लड़का गिरफ्तार, इसके पहले भी ककरवाई में थानेदार को धमकी दी गई। किसने? विधायक जी के लाल माननीय उसका भी वीडियो वायरल हुआ था। सर श्रीमान जी, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे साथ न्याय हो, हम लोग कलम के साथी हैं, पत्रकार हैं, जनता के लिए काम करते हैं, और जो दोषी हैं उनको तुरंत ही गिरफ्तार किया। क्या है पूरा मामला? आज भारी संख्या में हमारे गरोठा तहसील से पत्रकार झांसी आए। दो दिन पहले एक वाकया घटा था, घाट से एक सूचना आई कि लिफ्टर से कोई मजदूर गिर गया और उसकी मौत हो गई। सूचना गलत थी, लेकिन चूंकि पत्रकार सूचना पर जाते हैं तो पत्रकार पहुंचे मौके पे और घाट पर पहुंचे। तथाकथित रूप से जो पत्रकारों ने आरोप लगाया कि घाट एक माननीय चला रहे हैं और उनका बेटा चला रहा है, वो उनके गुर्गे कुछ घाट में मौजूद थे, जैसे ये लोग घाट पर पहुँचते हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है कि मारो साले मीडिया वाले आए। एक अभद्र शब्द है, हमारा बोलना इसलिए ज़रूरी है कि जो कहा गया, चूँकि हम शब्द टू शब्द लिखते हैं तो जो कहा गया वही हम आपको बता रहे हैं। तो एक प्रकार से ये तो गाली दी पत्रकारों को, और एक पत्रकार, दो पत्रकार, तीन पत्रकार, चार पत्रकार की बात नहीं है, पत्रकार समाज की बात है। फिर इतना ही नहीं, उन लोगों ने बुरी तरह से पीटा, और जब लहूलुहान हो गए तो गाड़ी में बंधक बना के डाला हमारे चार पत्रकार, तीन पत्रकार साथियों को, और काफ़ी दूर तक ले गए। बड़ी मुश्किल के बाद जब पुलिस को सूचना पहुंची और पुलिस ने पीछा करना शुरू किया, पुलिस ने अपने सोर्सों से फ़ोन लगाया जब इन दबंग लोगों को, तब हमारे पत्रकार साथियों को छोड़ा गया। इसके बाद पूरे दिन कल दबाव की प्रोसेस चलती रही कि पत्रकारों के ऊपर दबाव बनाया जाता रहा कि समझौता करो। जब वो समझौते को तैयार नहीं हुए तो एक SC ST वर्ग का एक व्यक्ति को लाते हैं और पूरा पूछ थाना माननीय के सपुत्र घेर लेते हैं, एरस थाना माननीय के सपुत्र घेर लेते हैं, और घेरने के बाद दबाव बनाते हैं कि क्रॉस मुकदमा लिखा जाए, वो भी SC ST एक्ट के तहत। तो ये तो सरियासर गलत है। तो फिर उसके बाद सारे पत्रकार आज झांसी में इकट्ठे हुए और हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग भी मुख्यालय से और आए साथ में, फिर SSP महोदय के पास पहुँचे, DM साहब के पास पहुँचे और DIG महोदय के पास आए। सभी से हम लोगों ने ये कहा कि क्रॉस जो मुकदमा है वो किसी कीमत पर नहीं लिखेगा, अगर बाई चांस क्रॉस मुकदमा लिख जाता है तो हम झांसी में इतना बड़ा आंदोलन करके दिखा देंगे जो आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा। ना हमें सत्ता पक्ष की ज़रूरत है, ना हमें विपक्ष की ज़रूरत है। आंदोलन ऐसा होगा जितने पत्रकारों पर मुकदमा लिखना हो लिख देना बिंदास होके, चाहे जितनों पर लिख देना, लेकिन अगर क्रॉस मुकदमा लिखा तो झांसी पूरा चक्का जाम कर देंगे हम लोग और आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। और फिलहाल अधिकारियों ने हमें आश्वासन दे दिया है कि ऐसा नहीं होगा, निष्पक्ष जाँच होगी और जाँच कराई जा रही है, जो ज्ञात लोगों के अलावा जो अज्ञात हैं उनकी भी जांच करा के उनको भी आरोपी बनाया जाएगा, और इसके अलावा हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है।
और हमें भी आश्वासन दिया गया जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो दो दिन बाद हम लोग इकट्ठे होंगे और एक रणनीति बनाएंगे और इसके बाद अगर सब पत्रकार साथी शामिल होंगे तो हम लोग अमरण अनशन पर बैठ जाएंगे झांसी में। तो देखिए ये अमरण अनशन आपके झांसी जिले में चलेगा कि पूरे प्रदेश में रहेगा? देखिए झांसी से हम स्टार्टिंग करेंगे लेकिन शुरुआत में पूरा बुंदेलखंड दूसरे दिन इन्वॉल्व हो जाएगा, इसके बाद पूरे प्रदेश स्तर पर हम अमरण अनशन शुरू कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।